गुड मॉर्निंग कक्षा 11 के विद्यार्थी, आज हमारा टॉपिक है भारत की सापेक्षता। आज हम इसी को पढ़ना है। भारत की सापेक्षता क्या है? तो मार्ग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग में परिवर्तन होता है, इसी को हम मांग की सापेक्षता कहते हैं। यह मांग आधारित परिबल है, स्वतंत्र परिबल नहीं, यानी मांग के साथ जुड़ा हुआ है, बिना मांग के इसका कोई अस्तित्व नहीं। व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांग का आधार क्या क्या होता है आप जानते हैं, वस्तु की पसंदगी, व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, इन परिबलों के अनुपात को मांग की सापेक्षता कहते हैं। चलिए मांग की मूल्य सापेक्षता के बारे में पढ़ते हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है? परिबल स्थिर हो तो कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार होता है और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। इस बात को आप जानते हैं कि मांग और कीमत में व्यस्त संबंध है। अगर मांग बढ़ेगा तो कीमत घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। आप इस चीज को भली भांति परिचित है, किंतु यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कीमत कितनी बढ़े कि कितनी घटे, मांग में परिवर्तन हो, इसकी व्याख्या मांग का नियम नहीं है। हो सकता है कीमत बहुत ज्यादा घट जाए फिर भी मांग जितनी आशा की जाती है ना पड़े, हो सकता है मांग ज्यादा हो फिर भी जितनी आशा की जाए उतना मांग ना घटे, हो सकता है कीमत ज्यादा हो जाए फिर भी मांग आशा कर उतना घटे। तो कोई जरूरी नहीं है कि मूल्य बढ़े तो वस्तु की मांग भी घटे, तो मांग का नियम इसकी परिभाषा नहीं करता। परिणाम स्वरूप वस्तु कीमत होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु जो मांग में परिवर्तन होता है इससे संबंधित समझ किससे होती है? हमें इसकी समझ कहां से मिलेगी? तो मांग की मूल्य सापेक्षता से मिलेगी। कहां से मिलेगी स्टूडेंट? मांग की मूल्य सापेक्षता से। कहने का मतलब है कि वस्तु कीमत कितनी घटे मांग कितना बढ़ेगा ये अनुमान नहीं लगा सकते। इसका सही अनुमान लगाने के लिए हमें मांग की मूल्य सापेक्षता का ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए हम मूल्य सापेक्षता के बारे में जानते हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता का मतलब है किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच आनुपातिक संबंध। वस्तु की कीमत किसी भी वस्तु की मांग मूल्य सापेक्षता का अर्थ है। मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ है वस्तु की कीमत और वस्तु के मांग के बीच में आनुपातिक संबंध। इसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, मांग की मूल्य सापेक्षता बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी अगर कोई आपसे पूछे मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है तो आप बता सकते हैं कि मांग की मूल्य सापेक्षता का मतलब है कि मांग और कीमत का आनुपातिक संबंध दर्शाया जा सकता है, जिसे हम निम्न सूत्र से दर्शाते हैं। जैसे मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आप हम एग्जाम्पल से देखते हैं
मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत में 1% की कमी होती है। एक्स वस्तु है इसकी कीमत क्या हो रही है, 1% कम हो रही है, 1% कम हो रही है। और मान क्या हो रही है, मान में 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। इसकी मान सापेक्षता कैसे निकालेंगे, आप जान सकते हैं मान में प्रतिशत परिवर्तन करके ए, मान परिवर्तन प्रतिशत क्या हो जाएगा 5, मान की मूल सापेक्षता क्या हो जाएगी 5, इसे आप कहेंगे ईपी, मान की मूल सापेक्षता का ईपी से दर्शाते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। इसे आप ईगो इलास्टिसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं इलास्टिसिटी, और इसकी को क्या कहेंगे प्राइस कहेंगे। उम्मीद है आपके इनका समझ में आया होगा। अब हम आगे मान की मूल्य सापेक्षता की कुछ परिभाषाएं देखते हैं और उसके आधार पे डिसीजन लेते हैं कि मान की मूल्य सापेक्षता में है। कल हम मान के मूल्य सापेक्षता के बारे में पढ़ेंगे।